Hi everyone, welcome to our channel The Agnees and you are watching the video series on Class 12th Economics. Students, Class 12th Economics का हमारा National Income and Related Aggregates chapter चल रहा है, जिसका हम एक part already कर चुके हैं. इस part को देखने से पहले आप वो वाला part पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ basic concept बताए हैं, जिसके बाद ही आपको ये part अच्छे से समझ आएगा. So students, without wasting any time, हम लोग शुरू करते हैं अपना second part. आई होप आप अपने पेन और रजिस्टर्स के साथ रेडी हैं ताकि आप नोट्स बनाएंगे. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन से. एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि फाइंड जीएनपी एट एफसी. जीएनपी एट एफसी आपको निकालना है. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. एनडीपी एमपी 80,000, नफाइफा एनएफआईएफए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं जिसको, वो दिया हुआ है -200. स्टूडेंट्स ये -200 है, ध्यान से देखिए. डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको दिया हुआ है. चलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करना है. इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको जो भी निकालना है, मतलब जहां तक आपको पहुंचना है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखिएगा. एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, मुझे जीएनपी एट एफसी तक जाना है, तो मैं जीएनपी एट एफसी को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, उसके बाद यहां पे लगाऊंगा इक्वल टू, और फिर यहां पर जो भी सबसे बड़ी टर्म दी है, फिलहाल के लिए एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है 80,000, तो इसको यहां पे पुट करूंगा एनडीपी एट एमपी. अब जो भी प्लस माइनस करना है आपको इसमें करना है. अब प्लस माइनस किस तरह से करना है ये भी बता देता हूं. देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये दिया हुआ है यहां तक आपको जाना है, तो एक एक करके स्टेप लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट टर्म होती है नेट और ग्रॉस. तो आपको पता है कि नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा होता है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए मुझे नेट को बड़ा करना पड़ेगा, तो प्लस होगा. अब इसमें से क्या प्लस होगा जानते हैं आप, डेप्रिसिएशन. ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकंड टर्म पे पहुंचते हैं. यहां पे डोमेस्टिक है, यहां पे नेशनल है, तो ये भी आपको पता है कि डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, तो दोबारा से प्लस करना होगा हमको, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको डोमेस्टिक को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है. इस बार क्या प्लस करेंगे, नफाइफा. नफाइफा क्वेश्चन में नफाइफा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूले में भी नफाइफा पुट कर दिया है. अगर यहां पे फीफा या फीटा दिया होता तो मैं यहां ये ना पुट करके फीफा माइनस फीटा पुट करता, तब जाके मुझे सिंपल पड़ता. आगे बढ़ते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरी टर्म बची है, एमपी और एफसी. अब यहां पर उल्टा है, एमपी बड़ा होता है एफसी से, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है. और माइनस क्या करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन क्या क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नहीं. यहां पर हमको ये दो नंबर दिए हुए हैं जिनको मिला के नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनता है. सो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना लिख के यहां पे लिखता हूं आईटी, जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. माइनस सब्सिडीज, इस तरह से आप एक ही लाइन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए. एनडीपी एमपी आपको 80,000 दिए, डेप्रिसिएशन 4950 दिया हुआ है, नफाइफा
माइनस 200 है, तो ये फॉर्मूले में प्लस है तो यहां पे तो प्लस ही लगेगा, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में माइनस 200 लिख दीजिएगा। इस स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह से करना है। माइनस आईटी, आईटी में आप देख सकते हैं 10,600 दिया हुआ और उसमें से माइनस करना है 1770, 1770। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इतने पढ़ाकू बच्चे तो आप हो ही कि इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कुछ बच्चे तो मुझसे भी जल्दी कर देंगे, देखते हैं कौन करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस वाला साइन लगेगा, माइनस वाला साइन। इन दोनों को पहले माइनस किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सबसे पहले माइनस करते हैं। यहां देखेंगे ये जीरो हो गया, ये थ्री है, उसके बाद अगेन यहां पे एट आ गया है और यहाँ एट आ गया, 8 8 3 0। अब जो दो नंबर माइनस के हैं उनको हम प्लस कर देते हैं और जो प्लस के हैं उनको प्लस कर लेते हैं। सो ये 84950 हो गया और ये हो गया 9030, 9030। लास्ट स्टेप में इसको जल्दी से माइनस करके आंसर निकल सकता है। सो ये जो आंसर आया है 9 7 5 9 2 0, ये हमारा फाइनल आंसर है और ये है GNPAT FC। सो ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से आता है, आई होप ये आपको क्लियर है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डोमेस्टिक इनकम, इस बार डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोल दिया। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को इस तरीके से कैसे लिखते हैं शॉर्ट में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डोमेस्टिक इनकम को NDP@FC भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, NDP@FC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो हो गया ना क्वेश्चन आसान, पहले जैसे ही बन गया। अब क्या करना है, जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको हमको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर इक्वल टू लगा के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे बड़ी टर्म जो दी है जो कि है GNP@MP, राइट में लिखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाना है। देखिए एरोज आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, आप असली एग्जाम में मत लगा देना, ठीक है, पता नहीं टीचर को पसंद आए ना आए। तो यहां पे सबसे पहली टर्म देखेंगे ग्रॉस और नेट को, ग्रॉस से लेके हमको नेट पे जाना है। आपको पता है ग्रॉस होती है बड़ी और नेट होती है छोटी, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मुझे माइनस करना होगा क्योंकि ग्रॉस को छोटा करना है मुझे। तो क्या माइनस करना होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा आपको। अगला टर्म देखते हैं सेकंड, नेट से मुझे डोमेस्टिक, सॉरी नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी वही चीज हो रही है, बड़े से छोटा बनाना है मुझे, तो बड़े से छोटा बनाने के लिए अगेन मुझे माइनस करना होगा, लेकिन इस बार क्या माइनस करूंगा मैं, नफाइफा, नफाइफा माइनस करूंगा इस बार क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है नफाइफा, तो इसीलिए मैंने यहां पे पुट कर दिया। तीसरी टर्म दी हुई है MP और FC, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ये भी बड़ा है और ये छोटा है, तो अगेन आपको माइनस ही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्या माइनस करेंगे आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना माइनस करके आप क्या कीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, क्योंकि इसमें आपको आईटी और सब्सिडी दिया हुआ है, तो आईटी और सब्सिडी यहां पे पुट कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा ये, आईटी एंड सब्सिडी पुट कीजिएगा यहां पे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि GNP@MP दिया हुआ है 5 8
3,50, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 16,250, नफाइफा, नफाइफा कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पे एक माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले का, और नफाइफा पुट करते टाइम आपको एक और माइनस लगाना है क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है आपको, -240 लिखिएगा यहां पे, अगेन एक माइनस, आईटी 2,590 एंड सब्सिडी 1,540, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका अगर आप मेरे वाला फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से एग्जाम में, वैसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए माइनस और माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाता है प्लस, और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को, बाद में ब्रैकेट खोलेंगे। सो ये हो गया स्टूडेंट 0,501,1050। अब जो माइनस की टर्म्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं, और जो प्लस की टर्म्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 09,585 -5,762। लास्ट में माइनस कर देते हैं, ये हो गया 5,1, ये हो गया 7,55। सो 55915 आपका आंसर आ चुका है NDPET FC का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नई चीजें आपको दी हुई हैं, देखिए है पुरानी चीजें ही लेकिन नया नाम दे दिया उनको, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड नेशनल इनकम बोला है आपसे। अब नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए NNP@FC होता है, NNP@FC, ठीक है। क्वेश्चन में GDP MP दिया हुआ है आपको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अभी तक नफाइफा दिया होता था हमको, इस बार फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। क्या नया दिया हुआ है इसमें, ये वाला वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला, इस पे ध्यान जाना चाहिए आपका सीधा, टू। और टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब है कि हम लोगों ने पैसा बाहर की तरफ भेजा है, टू अब्रॉड। तो ये फीटा दिया हुआ है हमको, फीटा। इस बार नफाइफा ना देके फीटा दिया हुआ है, और आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर नफाइफा नहीं दिया होता तो हम दो चीजों की तरफ देखते हैं, फीफा माइनस फीटा, और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि फीफा को जीरो पुट करना और फीटा की जगह जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला टर्म पुट करना। जीरो इसलिए पुट कर देना क्योंकि उससे फिर आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होती है। जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है वो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि माइनस लगाना भूल जाते हैं। अब देखिए जीरो में से कुछ भी माइनस होगा तो इस ब्रैकेट में तो माइनस में आंसर आएगा ना, लेकिन कुछ बच्चे क्या गलती कर देंगे, वो बिल्कुल इसको हटा ही देंगे और फीटा जो है, फीटा वो लिख देंगे प्लस में, गलत हो गया आपका आंसर। तो आप मेरे मेथड से भी कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मुझे चाहिए जो कि है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा। लेफ्ट साइड में क्यों लिखा आप जानते हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है लेफ्ट साइड में आता है। राइट साइड में मैं शुरू करूंगा GDP MP से। अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक बार आपने चीज सीख ली है तो अब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ग्रॉस से नेट पे जाना है मुझे, ग्रॉस से नेट पे, तो माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन क्योंकि ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, तो उसको बड़ा बनाने के लिए प्लस। अब नफाइफा तो है नहीं मेरे पास, तो मैं यहां पे लिखूंगा फीफा माइनस फीटा,
एमपी और एफसी, एमपी से एफसी पे जाना है मुझे, तो मुझे एमपी को छोटा करना होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। क्यों? क्योंकि मुझे एनआईटी भी नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों की हेल्प लेके मैं इसको यहां पे लिखूंगा। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। 70150। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस कराना तो मैं भूल ही गया। देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? वैसे इसको आसान भाषा में डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको इस तरह से याद करो कि कभी भूलो ना। फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीन, बिल्डिंग, प्लांट या कोई भी ऐसी चीज जो काफी दिनों तक चलती है, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है। और उसका कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब उसकी खपत, तो खपत मतलब होता है उसकी वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे, तो हो गया ना डेप्रिसिएशन। तो कभी भी ये चार शब्द आपको नजर आए तो समझ लेना डेप्रिसिएशन दिया हुआ। तो डेप्रिसिएशन पुट कर देते हैं 3100। फीफा नहीं दिया हुआ, जीरो पुट कर दो। फीटा 800। आईटी 5200 और सब्सिडी 4000। सब्सिडी 4000। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया जाए। इस ब्रैकेट में आगे -800, इस माइनस को लगाना मत भूलेगा। यहां पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो आ गया 1200, 1200। अब देखिए, तीनों ही माइनस में हो गए हैं, सो इन तीनों को एक ही स्टेप में आप सबको जोड़ के 70150 में से माइनस कर दीजिए। अब ये तो हो गया 2000, 2000, और ये हो गया 5100। माइनस करेंगे तो ये हो गया 05056। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको नेशनल इनकम के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट टू ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो इसके अगले पार्ट में हम लोग बढ़ने वाले हैं लेवल टू क्वेश्चंस की तरफ, जो कि थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।